तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्ब की फॉर्म्स के बारे में। देखिए बच्चे वर्ब की फॉर्म्स को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं, कहाँ पर कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी या सेकंड फॉर्म लगेगी या फिर थर्ड फॉर्म का हमें इस्तेमाल करना है। तो ये कन्फ्यूजन रहती है बच्चों में, और कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी ये कन्फ्यूजन भी रहती है। लेकिन जब आप आज की इस वीडियो को देख लोगे तो आज के बाद कभी भी आपको इस तरह की कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखिए कि आपने आज तक ये पढ़ा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब जैसे गो है, गो का हिंदी में मतलब होता है जाना, कहीं पर जाना। इसकी सेकंड फॉर्म बचपन से आज तक आपने पढ़ी है, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन। प्ले का हिंदी में मतलब होता है खेलना, है ना, और प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड और थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होती है। इसी तरह से ईट का मतलब हिंदी में होता है खाना और सेकंड फॉर्म है एट और थर्ड फॉर्म है ईटन। लेकिन अब आपको देखिए मैं एक ऐसा चीज बताऊंगा जो कि आपकी इंग्लिश को थोड़ा इम्प्रूव करेगी, आपका जो कॉन्फिडेंस है सेंटेंसेस को बनाने का वो थोड़ा क्लियर होगा और ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, है ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब तक आपने देखा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, लेकिन यहां पर देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी होती है और फिफ्थ फॉर्म भी होती है। अब आप बोल रहे होंगे सर ये आपने कहां से बता दिया, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म तो हमने आज तक देखी ही नहीं है, आज देख लोगे। अब देखिए गो का अभी हमने देखा था, फर्स्ट फॉर्म गो है, सेकंड फॉर्म वेंट है और थर्ड फॉर्म है गॉन। लेकिन कभी आपने गौर किया ये वर्ड्स भी तो आपने देखे होंगे, गोइंग, गोज, ये कौन सी फॉर्म्स होती हैं, है ना। प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड। लेकिन कभी आपने ये चीज सोची है कि प्लेइंग भी तो आता है, प्लेज भी तो आता है, ये कौन सी फॉर्म्स हैं। ईटिंग, ईट्स, ये कौन सी फॉर्म है ईट की, है ना। तो देखिए कौन सी फॉर्म है, जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, जैसे गो में आईएनजी लगाया तो गोइंग बन गया, प्ले में लगाया तो प्लेइंग बन गया, ईट में लगाया तो ईटिंग बन गया, इसको हम बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, गो में आईएनजी लगा दिया गोइंग, प्ले में आईएनजी लगा दिया प्लेइंग, ईट में आईएनजी लगा दिया ईटिंग। और जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं तो वो बन जाती है वर्ब की पांचवी फॉर्म, गोज, प्लेज, ईट्स, गोज, प्लेज, ईट्स, है ना। तो वर्ब की आज से आपको तीन फॉर्म नहीं, पांच फॉर्म याद रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी, पांच फॉर्म। अब देखिए किस तरह से आपको इन्हें यूज करना है। अच्छा, ये होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर, है ना। अब यहां पर जो एच वी है इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसके बाद जो अब वर्ड आएगा वो होगी वर्ब, और ये वही वर्ब है जिनको आपको यहां से लेकर इस्तेमाल करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये हमेशा लगेगी हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगी, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहां पर हम सीखेंगे कि इन फॉर्म्स को कहां पर और कैसे हमें इस्तेमाल करना है। अब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम कहां कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो मॉडल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूचर के इंडेफिनिट में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो एक बार में समझ में ना आए तो आप दोबारा देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आपको याद रखना है ये बातें। फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल मॉडल्स में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं और फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है इसका इस्तेमाल हम करते हैं पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। ये इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, है ना, कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है मॉडल्स के साथ जब आप हैव लगाते हैं, मॉडल्स के साथ जब आप हैव लगाते हैं। और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस तो सुना ही है ना, नहीं सुना अभी तक, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो परफेक्ट टेंस में भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अच्छा, मॉडल्स के साथ हैव कैसे लगता है, जैसे कि वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, कैन हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, आउट टू हैव, यूज्ड टू हैव, है ना। तो ये होते हैं मॉडल्स के साथ हैव, समझ में आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको कहां पर यूज करनी है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको यूज करनी है जब आप एक तो मॉडल्स के साथ बी लगाते हैं, मॉडल्स के साथ बी कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए, तब आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे वुड बी, शुड बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, है ना, सुने होंगे ना आपने। कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस में भी आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनमें भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में इस्तेमाल होगी, ठीक है। अब यहां पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यहां पर भी और यहां पर भी, आपको कैसे पता चलेगा फर्स्ट फॉर्म लगेगी या पांचवी फॉर्म लगेगी। यदि सब्जेक्ट आपका ही सी इट होगा तो ये पांचवी फॉर्म लगेगी, इसके अलावा कुछ भी हो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। अब मॉडल्स के साथ है, मैंने आपको बता दिया था कैन, कुड, वुड, शुड, कोई भी हो उनके साथ हैव लगेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये बात आपको अपने भेजे में बिठा लेनी है अच्छे से, जो मैंने यहां पर इस स्लाइड में आपको सब कुछ बताया है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां पर लगेगी, मॉडल्स के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी पास्ट इंडेफिनिट में। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी मॉडल के साथ जब हैव लगाओगे एक तो तब, और पास्ट जो जो परफेक्ट टेंस होगा उसमें, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर का परफेक्ट हो। फोर्थ फॉर्म लगेगी मॉडल्स के साथ जब भी बी होगा, ठीक है। देखिए बी पैसिव वॉइस में भी आता है, थर्ड फॉर्म भी लग सकती है, बात आपको याद रखनी है, लेकिन कंटिन्यूटी दिखानी है क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूटी को दिखाएगी, तो कंटिन्यूटी दिखानी है तभी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। कंटिन्यूअस टेंस में लगानी है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। वर्ब की पांचवी फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जो कि आपको याद रखना है। अब ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही याद नहीं होगा, इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी आपको याद करने की। अब देखिए यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर मिलेगी, और बेसिक कोर्स भी मिलेगा, एडवांस भी मिलेगा, ठीक है, और बाद में प्राइस भी बढ़ सकता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो बुक्स हैं ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम पहले इनको एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि कहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, कहां पर थर्ड आएगी, कहां पर फोर्थ आएगी और कहां पर वर्ब की पांचवी फॉर्म आएगी, ठीक है। गो का हिंदी में मतलब होता है जाना। तो देखिए तुम स्कूल जाते हो, सेंटेंस है प्रेजेंट के इंडेफिनिट का, तो मैं बोल सकता हूं यू गो टू स्कूल। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की पहली फॉर्म भी लग सकती है और पांचवी, मैंने आपको पीछे बता दिया था, देखिए यहां पर बताया था, यहां पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में पांचवी भी लग सकती है और पहली भी लग सकती है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, मैंने आपको बता दिया था यदि ही सी इट है तो पांचवी फॉर्म लगेगी वरना पहली फॉर्म लगेगी। तो देखिए सब्जेक्ट आपका ना ही है, ना सी है, ना इट है, ये तो यू है, तो यू के लिए भैया पहली फॉर्म लगानी पड़ेगी, यू गो टू स्कूल, ठीक है। तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई। अब देखिए वेंट कैसे यूज करना है, वह स्कूल गया, पास्ट के इंडेफिनिट सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में लगेगी। वह स्कूल गया तो बोल सकते हैं ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, वह स्कूल गया है, परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट, ही हैज गॉन टू स्कूल। तो देखिए हमने गो भी यूज कर लिया, वेंट भी यूज कर लिया, गॉन भी यूज कर लिया। गॉन किस किस के साथ यूज होगी, थर्ड फॉर्म की तरह यूज होगी, ही सी इट, ये जो होते हैं आपके ये तो सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हैज हो, हैव हो, हैड हो, विल हैव हो, मॉडल वर्ब के साथ हैव हो, सभी में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो परफेक्ट टेंस है, हैज हैव तो परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट का, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, तो बोल सकते हैं ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, ठीक है। ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, वह स्कूल जाता है। अब देखिए यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये भी और ये भी, लेकिन यहां पर है ही, तो ही के साथ लगेगा गोज, गो में एसीआईएस लग जाएगा, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब यहां पर इन्हीं सेंटेंसेस को हमने जैसे प्रेजेंट में बनाया है, अब पास्ट में, फ्यूचर में बना सकते हैं। जैसे कि तुम स्कूल जाते थे तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पास्ट में इसकी हेल्पिंग अब चेंज कर देंगे, वह स्कूल गया, ठीक है, ये तो पहली पास्ट का है, वह स्कूल गया है ये प्रेजेंट का है। यदि ऐसे बोलेंगे कि वह स्कूल गया था तो इसको पास्ट में चेंज कर देंगे, हैज के स्थान पर हैड लगा देंगे, ही हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था, ही वाज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जाता था, ये वो पहले वाला हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको बना सकते हैं। तो अभी हमने देखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और
फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को कैसे इस्तेमाल हमने किया है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि प्ले। अब प्ले का मतलब होता है हिंदी में खेलना, खेलना है ना, जैसे आप खेल खेलते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड, फोर्थ फॉर्म प्लेइंग और फिफ्थ फॉर्म प्लेज। ठीक है, देखिए तुम गेम खेलते हो तो बोल सकते हैं यू प्ले गेम, यू प्ले गेम, तुम गेम खेलते हो। ठीक है, तो प्ले यानी कि प्रेजेंट इनडेफिनेट का सेंटेंस है। वह गेम खेला तो बोल सकते हैं ही प्लेड गेम, ही प्लेड गेम, वह गेम खेला। वह गेम खेल चुका है तो बोल सकते हैं ही हैज प्लेड गेम, वह गेम खेल चुका है, ही हैज प्लेड गेम। वह गेम खेल रहा है तो बोल सकते हैं ही इज प्लेइंग गेम, ही इज प्लेइंग गेम, वह गेम खेल रहा है। अब यहां पर हमने क्या चीज देखी है, यहां पर हमने देखा है कि ये जो है सेंटेंस, ये है प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का, ये प्रेजेंट के परफेक्ट का, ये पास्ट के इंडेफिनेट का और ये प्रेजेंट के इंडेफिनेट का। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया किस तरह से देखना है। वह गेम खेलता है, ही प्लेज गेम। अब यहां पर हमें कैसे पता चलता है ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, कंटिन्यूअस का है? हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है, सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती है उससे। एसएमआर कहां पर यूज होता है, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में, है ना। और ये जो कहां है, हैज हैव कहां पर यूज होता है, परफेक्ट टेंस में यूज होता है। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं और इससे हमें अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि ईट होता है, ईट का हिंदी में मतलब होता है खाना, कोई चीज खाना, है ना। इसकी सेकंड फॉर्म है एट, थर्ड फॉर्म है ईटन और फोर्थ फॉर्म है ईटिंग और उसके बाद ईट्स आता है। अब देखिए, वे खाना खाते हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कैसे बोलेंगे, दे ईट द फूड, दे ईट द फूड, उसने खाना खाया तो बोल सकते हैं ही एट द फूड, ही एट द फूड। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है और ये पास्ट इंडेफिनेट है, तो इसलिए पास्ट इंडेफिनेट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। वह खाना खा चुका है तो बोल सकते हैं ही हैज ईटन, ही हैज ईटन, वह खाना खा चुका है। वह खाना खा रहा है तो बोल सकते हैं ही इज ईटिंग, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, इसलिए इज एमआर के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी आएगी, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वह खाना खाता है तो बोल सकते हैं ही ईट्स। अब यहां पर एक चीज देखिए, हमने पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, फिर सेकंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म, फिर फोर्थ फॉर्म और फिर फिफ्थ फॉर्म लिखी है। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्ब की फॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। ये पूरा तरह डिपेंड करता है कि आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है और आपका टेंस कौन सा है। ठीक है, और आपको इनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। वीडियो का लिंक आप, जो हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।